तो गाइस देख सकते हैं कि इसे फुली ऑफ रोडिंग आज मैं करने वाला हूं। काफ़ी ये पत्थर वाली जगह है और यहां पे मैं इसे आपको चला कर दिखाने वाला हूं। है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ है हीरो की एक्सपल्स 200। तो ये इसका नया अपडेटेड मॉडल आया है, तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और पर्टिकुलर इसके इंजन में बदलाव किया गया है वो मैं आज इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इसके इंजन में क्या चीज़ बदलाव किए गए हैं और ये कलर भी और ये कलर थीम भी कुछ नया ही लग रहा है मुझे। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें पहले से आती हैं और क्या क्या चीज़ें अपडेट हो गई हैं इस हीरो एक्सपल्स के साथ। तो सबसे पहले चाबी शुरू करूंगा। चाबी आपको टिपिकल वही वाली मिलती है, हीरो की दो चाबियाँ मिलती हैं और इस पर कुछ ऐसा हीरो लिखा हुआ रहता है। और चाबी जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करते हैं, ये आपको देख रहा होगा कि ये DRL ऑन हो गए, तो कुछ इस टाइप की में आपको डबल बैरल इसमें हेडलाइट मिलती है। तो फ्रंट से आप बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों आप यहाँ पे DRL ऑन हो गए हैं और यहाँ पे हाई बीम आपको अलग और लो बीम आपको अलग में मिल जाती है, बीच में आपको हीरो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये कुछ सामने से आपको लुक मिल जाता है, पूरा ही हैंड गार्ड और वाइजर इसमें सारी चीज़ें आपको कंपनी फिटेड मिलती हैं। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये सस्पेंशन का ट्रैवल देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये फुल्ली ऑफ रोडर बाइक है और मैं जहाँ पे इसको लाया हूँ आज ये ऑफ रोड ट्रैक ही है, यहाँ पे ट्रैक ही बोल लीजिए। तो कुछ इस टाइप का आपको ऑफ रोडिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि है तो फाइबर में लेकिन काफ़ी मजबूत मुझे लग रहा है और इसका रियर नीचे वाला भी काफ़ी अच्छा खासा फाइबर में है। और इस सस्पेंशन आपको बता दूं तो 140 mm के आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसपे कि ये कवर लगा हुआ है। और टायर साइज की बात करें तो आपको C8 के टायर मिलते हैं और 1990x21, तो 21 इंच के इसमें आपको रिम मिल जाते हैं जो कि स्पोक व्हील रहने वाले हैं और 90 mm आपको चौड़ा ये टायर मिल जाता है। यहाँ से आप बात कर लेते हैं तो 270 mm का आपको ये डिस्क ब्रेक मिल जाती है और विथ ABS। आप ABS की प्लेट आप देख सकते हैं कि इसमें ABS आपको लिखा है, तो इसमें आपको फ्रंट व्हील में ABS मिलती है, सिंगल चैनल आपको ABS यहाँ पे मिल जाता है। रिफ्लेक्टर आप यहाँ देख सकते हैं और ये हो गई ABS की तार और एक ब्रेक के लिए है, ये है यहाँ पे। बात ये मैं कर लूँ कि जो इसके इंजन में मैं बदलाव की बात कर रहा था तो वो सारी चीज़ें इसके इंजन में हैं। अब ये पहले 2 वॉल में आती थी, अब ये 4 वॉल हो गई है, जैसा कि मैंने अपाची आपने देखा होगा अपाची 4V, वैसा ही अब ये एक्सपल्स 4V आपको यहाँ पे लिखा भी गया है और अब इसके इंजन में 4 वॉल हो गए हैं। कहीं ना कहीं इंजन का परफॉर्मेंस तो बढ़ा ही है और इसमें माइलेज भी आपको बढ़ जाएगी, ये 4 वॉल होने से अच्छे से कम्बस्चन होगा इसमें और माइलेज भी कहीं ना कहीं आपको, और अच्छी बात है हीरो की भाई बाइकों में आपको देख सकते हैं कि 200 cc की ये बाइक है और उसमें भी आपको किक मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली कैटलिटिक कन्वर्टर है, नीचे आपको मजबूत सा आपको यहाँ पे क्रैश गार्ड दे दिया जाता है, इंजन गार्ड बोल लीजिए या क्रैश गार्ड बोल लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये कंपनी फिटेड ही आता है बम्पर। ब्रेक का कुछ ऐसा रहने वाला है, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 4V का वेजिंग दे दिया गया है, बाकी ये आप कलर थीम बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, पुरानी वाली भी आपने देखा है, नहीं देखा तो आपको चैनल पे मिल जाएगी वीडियो, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपल्स कुछ इस टाइप में लिखा गया है और ये इसका साइलेंसर कुछ ऐसा रहने वाला है, साइलेंसर पे आप मफलर देख सकते हैं हर जगह दिया है, तो हर जगह प्रोटेक्टेड साइलेंसर आपको इसमें मिल जाता है। रियर फुटरेस्ट की बात कर लें तो रियर आपको फुटरेस्ट मिल जाता है कुछ इस टाइप का। तो रियर से बात कर लेते हैं तो रियर में आप सस्पेंशन आपको मोनो सस्पेंशन मिल जाता है, तो कुछ इस टाइप का आपको सिंगल सस्पेंशन रहने वाला है और रियर से कुछ इस टाइप की लगती है, फुल्ली LED लाइट मिल जाती है रियर से भी। और टर्न इंडिकेटर की बात कर लूँ तो टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन में रहने वाले हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नंबर प्लेट की जगह आपको यहाँ मिल जाती है, यहाँ भी आपको हीरो लिखा हुआ है और ये इसका ग्रैब हैंडल जो कि काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे एक पैडिंग बनाई गई है जहाँ पे आप अपना बैग वगैरह भी रख सकते हैं छोटा मोटा और अच्छे से उसे कैरी कर सकते हैं, सीट आप ओपन यहाँ से कर सकते हैं। रियर टायर की बात कर लेते हैं तो रियर में है 120/18/18 यानी कि 18 इंच के आपको इसमें स्टील रिम मिल जाएंगे और 120 mm चौड़ा आप, तो फुली ऑफ रोडर टायर आपको मिल जाएगा। और चैन इसमें ओपन रहने वाला है कुछ इस टाइप का, आप देख सकते हैं कि चैन क्वालिटी रहने, यहाँ पे आपको एक छोटा सा साड़ी गार्ड दे दिया गया, हालांकि साड़ी ड्रेस भी इसमें आपको लग जाएगा जो अलग से लगाना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे फिट भी हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ट दिए गए हैं, आराम से लेडीज़ फुटरेस भी मिल जाएंगे और ये रियर फुटरेस आपको कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे। सस्पेंशन आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन क्वालिटी कुछ अच्छी रहने वाली है, राइड में बताऊँगा कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। और रियर में कुछ इस टाइप का रहने वाला है, आपको हीरो यहाँ लिखा गया है, एक छोटा सा पैनल यहाँ दिया जाता है और एक बड़ा पैनल यहाँ दिया जाता है जिसपे हीरो की बैजिंग है, FI की बैजिंग आपको यहाँ पे है। और टैंक इसका कुछ इस टाइप का रहने वाला है, टैंक
तो टैंक कैपेसिटी की बात कर लूँ तो इसमें 14 लीटर का आपको टैंक मिल जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी प्रीमियम इसे बनाने की कोशिश की गई है, एक यहाँ भी पैड दिया गया है। और सीट क्वालिटी की आप बात देख सकते हैं कि सीट क्वालिटी कुछ इसमें डबल टोन में आपको सीट क्वालिटी मिलती है, वो काफ़ी अच्छा खासा काफ़ी ब्रॉड सीट आपको मिल जाता है, जो कि दो आदमी इस पर ईजिली बैठ सकते हैं। बात कर लेते हैं बटन क्वालिटी की, तो बटन क्वालिटी भी टॉप नॉच है, काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर आपको हाई पासिंग का, यहाँ पर हाई बीम का, ये टर्न इंडिकेटर के आपको मिल जाते हैं, और ये हॉर्न मिल जाता है कुछ इस टाइप का आपको। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट का भी यहीं पे मिल जाता है। तो ये है यहाँ पे मिरर, आप देख सकते हैं कि मिरर कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि कुछ इस टाइप का आपको रहने वाला है। अभी ये ऑफ मोड में है तो यहाँ पे हीरो लिखा आता है, और जैसे ही आप चालू करते हैं फुल्ली स्वाइप अप मारता है। और इसमें आरपीएम मीटर हो गया, टैको आरपीएम मीटर आपको ऊपर हो गया, नीचे स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे ऑडोमीटर दिखा रहा है, और टाइम आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि अभी टाइम यहाँ पे है। यहाँ से आप इसे टॉगल कर सकते हैं। तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जिसमें आपको अपने फ़ोन को भी इसमें कनेक्ट करके और टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह भी देख सकते हैं। इको मोड आ जाता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बता देता है, टोटल रनिंग टाइम भी आपको बता देता है, और इसमें आप डेट भी सेट कर सकते हैं कि कौन सा डेट है। इसमें अभी सेट नहीं है, 1 जनवरी बता रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाता है, और यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं आपको यहाँ पे, न्यूट्रल की लाइट, यहाँ पे एबीएस की लाइट, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर की लाइट, और ये आप देख सकते हैं स्टैंड लगा है, तो उसका आपको दिखा रहा है कि हाँ स्टैंड इसमें अभी लगा हुआ है। मीटर कंसोल की बात, टाइम वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहीं भी दो बटन दे दिए गए हैं आपको। और ये आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे गार्ड भी दे दिए जाते हैं, जो कि हीरो के तरफ से ही है, कोई आफ्टर मार्केट ये नहीं है ये। और हेडलाइट का सेटअप काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें और यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड ही वाइजर मिल जाता है, नंबर प्लेट आपको यहाँ फिट हो जाएगी, तो कुछ इस टाइप का आपको रहने वाला है फ्रंट फ्रंट से। और काफ़ी लंबी चौड़ी ये बाइक है। और इंजन में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि ये ऑयल कूल इंजन रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑयल कूलर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऑयल कूल इंजन रहा है, तो इसमें आपको हीटिंग की कोई इश्यू नहीं रहती है, तो आप कितना भी इसे चला सकते हैं, ये बात है। और काफ़ी पथरीले रोडों पर, और फुल्ली ये ऑफ रोड के लिए बनाई ही गई है, तो फुल्ली ऑफ रोड में ये चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ। चलिए मैं अब इसको आपको चला कर दिखाता हूँ कि चलने में कैसी है, तो प्रॉपर इसे ऑफ रोडिंग ही करेंगे, देखते हैं कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस। तो गाइस देख सकते हैं कि इसे फुली ऑफ रोडिंग आज मैं करने वाला हूँ, काफ़ी ये पत्थर वाली जगह है, और यहाँ पर मैं इसे आपको चला कर दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इसको चढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। गाइस ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ, जो ये चीज़ हीरो ने बनाई है ना, ये काफ़ी मैसिव है, और काफ़ी इसमें आप देख सकते हैं कि सीधी चढ़ाई है, थोड़ा सा इस ट्रैक था मेरे पास, लेकिन कहीं भी इसे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये चढ़ेगी नहीं। या आप देख सकते हैं कि पूरे पत्थर, इसे रोड को बोला ही नहीं जा सकता, लेकिन इसमें टायर ऐसे लगे हुए हैं कि ये कोई भी मुझे फील नहीं हो रहा है, और ना ही दो नॉर्मल इसमें 2000 तक आरपीएम मेरा इजीली आसानी से ये चढ़े जा रही है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी इसमें स्कीड नहीं है, थोड़ा सा भी टायर स्कीड नहीं कर रहा है कि इतने पत्थर में ये चढ़ेगी नहीं। गाइस मेरे सामने एक थोड़ी सी चढ़ाई है खड़ी, इस पर मैं देखता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, और क्या इसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है इस पर चढ़ाने में, तो आइए देखते हैं कि इस पर कैसे ये चढ़ती है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ भी दिक्कत नहीं हुई ऐसा इसमें, और काफी पावरफुल इंजन इसका है। तो भाई रोड आप देख सकते हैं कि रोड काफी पथरीला है, और यहाँ पे मैं इतना ऊपर इसे पहाड़ के ऊपर चढ़ा के ला दिया हूँ, तो बिल्कुल लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। लेकिन बाइक मुझे काफी अच्छी लगी, और बाइक में कहीं भी लैग फील नहीं हुआ कि मुझे ये कि लगा कि ये चढ़ेगी नहीं। यहाँ से एक बार आप दिखा देता हूँ कि कितना स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे, और पूरा ही पत्थर है यहाँ पे, लेकिन चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ इसके ऑफ रोडर टायर के साथ आप देख, और ना ही इसके इंजन को थोड़ा सा भी स्ट्रगल करना पड़ता है इसे कहीं भी चढ़ने में। तो ये कुछ इसका ये चलाने का एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कि इसमें फुली ऑफ रोडर टायर लगे हुए हैं, इंजन काफ़ी पावरफुल है, और इंजन पेपर में तो पावरफुल है, इवन चलाने में भी काफ़ी पावरफुल है।
कि जो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने इसको चलाया वहाँ पे भाई और कोई बाइक तो नहीं आ सकती है। तो गाइस चढ़ते समय तो इसका परफॉर्मेंस आपने देखा ही, उतरते समय भी आप देख लीजिए कि काफ़ी ब्रेक इसमें फ्रंट में एबीएस आता है, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है आपको चढ़ने में या उतारने में। और ऐसी वीडियो आपको कोई नहीं बना के दिखाएगा, प्रॉपर ऑफ रोडर बाइक है ये और प्रॉपर ऑफ रोडिंग ट्रैक भी मिल गया हमें, रोड भी मिल गया। तो गाइस पत्थर के अलावा रोड पे भी इसे चलते समय आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा इसका रहने वाला है परफॉर्मेंस। और ब्रेकिंग की बात करूँ तो इसमें आप ब्रेकिंग देख सकते हैं, फ्रंट में आपको एबीएस मिलता है और यहाँ पे ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी खासी इसकी हो जाती है। आप देख सकते हैं ब्रेक और रियर के भी ब्रेक और फ्रंट के भी ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं इसके। आप जैसा देख सकते हैं कि आप हाई स्पीड में भी अगर ब्रेक लगाते हैं इसके तो काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है इसका, फ्रंट वाले ब्रेक का, इवन रियर वाले ब्रेक का भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। लेकिन तो गाइस ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं, ये पहले से काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले से इसका रोड प्रेजेंस और चलने में पावर और रोड प्रेजेंस भी इसका काफ़ी अच्छा खासा हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं, और पावर भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी फील होती है। तो पत्थर के अलावा ये रोड पे भी काफ़ी अच्छी हो गई है चलने में, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी खासी इसकी हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पत्थर वाले रोडों पे तो ये अच्छा चलती ही है, रोड पे भी इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो गया है। तो गाइस ये सारी चीज़ें एक्सपल्स 200 के बारे में। आपने जैसा देखा कि मैं इसे काफ़ी पत्थर वाले रोडों पर और काफ़ी ऊंचे रोडों पर पहाड़ पे मैं इवेंट चढ़ा दिया था, आपने जैसा वीडियो में देखा। और पहाड़ पे चलने के साथ साथ रोड पे भी इसका प्रेजेंस अच्छा खासा है, जो कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो पहले वाले एक्सपल्स से काफ़ी इसमें मुझे पावर भी अच्छा लगा, कम्फर्ट भी अच्छा लगा और इसमें ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छी लगी मुझे। तो पता नहीं अब क्या हीरो ने इसमें ट्यून किया हुआ है, लेकिन पहले वाले हीरो से काफ़ी अच्छा खासा ये लगता है और काफ़ी उससे ज़्यादा कुछ प्राइस भी नहीं। तो इसकी प्राइस है ऑन रोड रायगढ़ में गोयल ऑटोमोबाइल्स पे 1,61,000 रुपये, जो कि ऑन रोड है। तो पहले वाली जैसे मैं बताया कि पहले वाली से कुछ ज़्यादा प्राइजिंग भी नहीं इसकी बड़ी है, लेकिन पहले वाली से पावर, कंफर्ट और माइलेज भी कहीं ना कहीं इसका फोर वॉल अब आ जाने से, इंजन में अब फोर वॉल आ जाने से कहीं ना कहीं पावर और माइलेज दोनों बढ़ेगी इसकी। तो आप ये सारी चीज़ें हैं चलने में काफ़ी अच्छी खासी है, और इसकी पहली वाली भी मैं चला के दिखाया था आपको, चलाया भी था, उससे काफ़ी अच्छा खासा इसमें पावर मुझे महसूस हुआ और पावर मुझे लगा भी। जैसा कि मैंने इसे जब चढ़ाया इसको पहाड़ों पे पत्थर वाले रोड पे इसे चलाया, तो वहाँ पे बिल्कुल मुझे फील नहीं हो रही थी कि ये सीसी की बाइक है। और काफ़ी अच्छा खासा इसमें टायर की बात है, टायर इसमें पूरे ऑफ रोडर लगे हुए हैं, तो कुछ इस टाइप का इसका रहने वाला है। तो ये आपको पर्टिकुलर बाइक आपको कैसी लगती है आप कमेंट में बताइएगा, और अगर बाइक आपको अच्छी लगती है तो आप आ सकते हैं गोयल ऑटोमोबाइल्स पे, जो कि रायगढ़ में है। और हीरो की कोई भी बाइक आपको लेनी है तो आप आ सकते हैं गोयल ऑटोमोबाइल्स पे, जो कि रायगढ़ में है। प्राइस मैंने आपको बताई दी, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।